बिहार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय सदानंद सिंह के खिलाफ एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इस मामले के सामने आने के बाद हंगामा मच गया। वहीं पुलिस ने कोर्ट को सूचित नहीं किया है। दूसरी तरफ ईसीपुर बाराहाट पुलिस की लापरवाही की हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल 2009 में ईसीपुर बाराहाट थाने में सदानंद सिंह, पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी, सैयद शाहनवाज हुसैन, दीप नारायण पासवान, दीपतेंद्र वर्णवाल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था। इन सभी को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में नामजद आरोपी बनाया गया था। इस मामले की जांच के बाद 14 अप्रैल 2010 को ईसीपुर बाराहाट थाने में तत्कालीन जांचकर्ता सहायक अवर निरीक्षक महेंद्र प्रसाद सिंह ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में कोर्ट में गवाहों ने अपनी गवाही पहले ही दर्ज करा दी। इसके बाद कोर्ट ने मामले में सुनवाई शुरू की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान नामजद आरोपी उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने उनका बॉन्ड रद्द करके उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। बड़ी बात यह है कि पुलिस ने कोर्ट को नहीं बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरोपी बनाए गए सदानंद सिंह का निधन हो चुका है। अगर सदानंद सिंह की बात करें तो वो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। भागलपुर की कहलगांव सीट से सदानंद सिंह ने 12 बार चुनाव लड़ा, जिसमें 9 बार उन्हें जीत हासिल हुई थी। उनके नाम सबसे ज्यादा बार विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। 2015 के चुनाव में सदानंद सिंह ने अपनी सीट बचा ली थी, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन एकदम लचर था। सदानंद सिंह का 8 सितंबर 2021 को निधन हो गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।